फॉलो अस फॉर ऑल मेडिकल अपडेट्स लेटेस्ट न्यूज़ एग्जाम गाइड रिकॉर्डिंग एम डी कैट एम बी बी एस एफ सी बी एस स्टेट केयर लैब एंड यू एस एम एल ई असल दिस इज़ारा जैनब डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में पंजाब और सिंध की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अलाइड हेल्थ साइंस डी पी टी और फार्म टी प्रोग्राम्स के एडमिशन शेड्यूल्स डिस्कस करेंगे इन में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर और डो यूनिवर्सिटी सिंध के प्रोग्राम्स शामिल हैं एम के अलावा दस मेडिकल फील्ड्स के स्कोप पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सबसे पहले पंजाब के एडमिशन शेड्यूल्स और अप्लाई का प्रोसीजर डिस्कस कर लेते हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर ने डीपीटी का एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिया है सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं मैट्रिक में मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स होने चाहिए एफएससी में सिक्सटी फाइव परसेंट मार्क्स होने चाहिए ए लेवल के स्टूडेंट्स के आईबीबीसी के इक्वलेंस के अकॉर्डिंग सिक्सटी फाइव परसेंट मार्क्स होने चाहिए एम डी कैट में मिनिमम सिक्सटी फाइव परसेंट मार्क्स होने चाहिए पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित और बलोचिस्तान के लिए जस्ट एक रिजर्व ओपन मेरिट सीट होगी मेरिट फार्मूला में मैट्रिक टेन परसेंट एफ एस सी फोर्टी फाइव परसेंट और एम टी कैट फोर्टी फाइव परसेंट होगा अप्लाई करने के लिए एडमिशन फॉर्म स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से भी ले सकते हैं या फिर डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट के ई एम यू डॉट ई डी यू डॉट पी के से डाउनलोड कर सकते हैं तमाम रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के दो सेट सबमिट करवाने होंगे इसकी अप्लाई करने की फ़ी थ्री हंड्रेड होगी जो कि बैंक ऑफ पंजाब सिक्वायर ब्रांच लाहौर से पे ऑर्डर बनवाना होगा ये पे ऑर्डर फेवर ऑफ वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के लेबल से बनेगा अब एडमिशन शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं एडमिशन पाँच दिसंबर 2022 से स्टार्ट होंगे लास्ट डेट सत्रह दिसंबर 2022 हज़ार बाईस है हिफ्स कुरान टेस्ट अट्ठाईस दिसंबर 2022 को होगा और मेरिट लिस्ट नौ जनवरी 2023 को डिस्प्ले होगी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि स्टूडेंट्स को हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और पेड फी रिफ़ंड नहीं होगी नेक्स्ट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के अलाइड हेल्थ साइंसिस के प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं किंग एडवर्ड की तरफ से थर्टीन प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं जैसा कि बी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी बी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मेरिट फार्मूला सेम डीपीटी वाला ही है और जो अभी डीपीटी के सेक्शन में हम शेयर कर चुके हैं ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसके लिए वेबसाइट ओ एस डॉट के ई एम यू डॉट ई डी यू डॉट पी के मैंशन किया गया है फी बैंक ऑफ पंजाब में सबमिट करानी है जस्ट लाइक डी एक प्रोग्राम की फ़ी थ्री हंड्रेड होगी अगर ज़्यादा प्रोग्राम में अप्लाई किया है तो हर प्रोग्राम के लिए एक्स्ट्रा हंड्रेड ऐड होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कराने के बाद उसका प्रिंट निकलवाना है देन फी चलान और एप्लीकेशन दोनों किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार एएचएस के ऑफिस सबमिट करवानी है आप खुद भी सबमिट करवा सकते हैं या फिर टीसीएस भी करा सकते हैं और सारी सीट्स ओपन मेरिट बेस्ड होंगी अब एडमिशन शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं एडमिशन पोर्टल पाँच दिसंबर से खुलेगा एप्लीकेशन सबमिट करवाने की लास्ट डेट पंद्रह दिसंबर है हार्ड कॉपी जमा कराने की लास्ट डेट सत्रह दिसंबर होगी हिप्स कुरान टेस्ट अट्ठाईस दिसंबर को होगा और फर्स्ट मेरिट लिस्ट 9 जनवरी 2023 को डिस्प्ले होगी और इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सेम डीपीटी वाली ही हैं नेक्स्ट पंजाब के चिल्ड्रन हॉस्पिटल का एडमिशन प्रोसीजर डिस्कस कर लेते हैं इसमें डीपीटी जो कि फाइव इयर्स प्रोग्राम है इसके लिए मिनिमम एफएससी में सिक्सटी परसेंट मार्क्स होने चाहिए और अलाइड हेल्थ साइंसेस एमएलटी और एमआईटी के मिनिमम एफएससी के फिफ़्टी फाइव परसेंट मार्क्स होने चाहिए और सिर्फ पंजाब के डोमिसल वाले स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं अब एडमिशन शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं इसके एडमिशन ट्वेंटी एट नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट सिक्सटीन दिसंबर है अप्लाई करने के लिए सी एच आई सी डॉट ई डी यू डॉट पी के सर्च करना है ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उस फॉर्म का प्रिंट निकलवाना है और 500 फी के साथ मैनुअली इसको स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेस ऑफ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में सबमिट करवा देना है नेक्स्ट सेम के एडमिशन प्रोसीजर डिस्कस कर लेते हैं डो यूनिवर्सिटी ने भी डीपीटी फॉर्म डी और बीएस बायोटेक्नोलॉजी के एडमिशन ओपन कर दिए हैं सबसे पहले डीपीटी का प्रोसेस देख लेते हैं इसके लिए मिनिमम एफ में मार्क्स सिक्सटी परसेंट होने चाहिए सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए और डो का एक एंट्री टेस्ट भी देना होगा जिसका शेड्यूल वेबसाइट और एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा ऑनलाइन पोर्टल पाँच दिसंबर से खोल दिया जाएगा जिसके लिए वेबसाइट एडमिशंस डॉट सर्च करना है ऑनलाइन अप्लाई करना है उसी फॉर्म का प्रिंट निकलवाना है ट्वेंटी का फी चलान यू बी उर्दू रोड ब्रांच कराची में सबमिट कराना है और फिर पेड फ़ी चलान और एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी में सबमिट करानी है अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 जनवरी 2023 है नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी का शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं ये फोर इयर्स प्रोग्राम है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फ़ी एडमिशन शेड्यूल सेम डी वाला फॉलो करना होगा नेक्स्ट डी फॉर्म का एडमिशन प्रोसीजर डिस्कस कर लेते हैं ये फाइव ईयर प्रोग्राम है इसके लिए मिनिमम एफएससी में सिक्सटी परसेंट मार्क्स होने चाहिए डी फॉर्म के एंट्री टेस्ट में मिनिमम ट्वेंटी फाइव परसेंट मार्क्स होने चाहिए डोमिसाइल सिंध का होना चाहिए ऑनलाइन पोर्टल फाइव दिसंबर से खुल जाएगा लास्ट डेट दो जनवरी दो हज़ार तेईस है अप्लाई करने के लिए एडमिशन डॉट डी यू एच एस डॉट ई डी यू डॉट पी के सर्च करना है ऑनलाइन अप्लाई करना है उस फॉर्म का प्रिंट निकलवाना है देन ट्वेंटी फाइव हंड्रेड फ़ी सबमिट करवानी है और ये फी मैज़ान बैंक डो मेडिकल कॉलेज बाबाए उर्दू रोड ब्रांच में जमा करवानी है फी चलान और हार्ड कॉपी भी मैनुअली सबमिट करवानी होगी टेस्ट का टाइम और वेन्यू वेबसाइट और कार्ड पर मेंशन होगा जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने आपसे शेयर की है आप इसके रेलिवेंट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी इसको चेक कर सकते हैं और इसके अलावा फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर मेडिकल अपडेट्स